हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी टीचर्स पे। तो आज फिर से हम एक नए सेशन, नए क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ में हैं। ये सेशन आपका रोज़ रात को 9 बजे होता है ना? तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें क्या हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कवर होंगे अच्छी तरह से। ओके, तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो सब मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बाकी गुड इवनिंग एवरीवन, आइए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकेंड। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? मतलब कि ये एक बिलीव है बच्चे के अंदर कि अगर हमारे अच्छे नंबर मिलेंगे तो हम आगे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं अपनी क्लास के, है ना, मॉनिटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी नीड है भाई? बड़ी आवश्यकता मतलब है कि जो सम्मान की आवश्यकता है, आत्मविश्लेषण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या सोशल नीड है, या क्रियात्मक आवश्यकता यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड है। तो यहाँ पर मॉनिटर बनना चाह रहा है, अगर अच्छे नंबर आएंगे तो मॉनिटर बनेंगे और क्लास के बच्चे क्या करेंगे भाई, सम्मान करेंगे बच्चे का। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ये है आपकी एस्टीम नीड। क्वेश्चंस को इसी तरह से आपके सामने घुमा करके थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आइए। हाँ, अगला है देखिए आकर के। मर्सिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है? ओके, तो भाई पहचान उपलब्धता है, या पहचान अधिस्थगन है, या पहचान प्रसार है, या पहचान पौजदारी है। तो मर्सिया के किस प्रकार की पहचान, मतलब इन्होंने जो आइडेंटिटी के टाइप्स दिए हैं और जिससे क्या आती है, कमिटमेंट आती है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट होगा आइडेंटिटी अचीवमेंट। हालांकि ग्रेड टू का आप एग्जाम अभी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेड थ्री का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा ऑब्वियसली। ओके, तो उसके लिए टेंशन मत लो और ऐसी भी चीजों को आप लोग, है ना, देखते रहें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा निहित नहीं है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। ओके, अगला है, अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, या अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता है, या अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ आती है? तो भाई जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो ये तो सब चीज़ें ठीक लिखी हैं, केवल अवलोकन या ऑब्वियसली, है ना, हम अपने नेचर से भी लर्न करते हैं, जो कुछ हमारे इनफॉर्मल लर्निंग होती है ये वाली भी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन कोई ज्ञान की सक्रिय प्रक्रिया कहाँ है, निष्क्रिय नहीं कहा है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना खाल और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। खेलने के साथ ही मित्र, सहपाठी, साथियों का समूह। तो समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना, ये किसमें आएगा आपका? खेलने के साथी हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, साथियों का समूह है। तो भाई हम सेम एज के हैं और सेम बैकग्राउंड को भी साझा कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका आएगा, इसे कहते हैं भाई क्या, पीयर ग्रुप कहते हैं। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो आकर के और आंसर करो, और मुझे लास्ट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, और एक बार इसको शेयर भी कर दो, बुला लाओ सबको। हाँ, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर वन है मॉडल आधारित अधिगम, या संज्ञानात्मक संघर्ष, या संवादात्मक सत्र, या रुचि की कमी। तो कक्षा के भीतर छात्र की कम सह, मतलब कि कोई बच्चा पार्टिसिपेट कम कर रहा है, एंगेजमेंट कम है उसकी, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके,
तो रुचि की कमी है आपका, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या कहती है आपकी, कि हम दूसरों को नकल करके सीखते हैं। इंटरैक्टिव सेशन है, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स, तो ये कोई है ना पार्टिसिपेशन को कम करने की नहीं है, ये है आपका। इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन है, मूल्यांकन है, मापन है या परीक्षण है। तो ऑब्जर्वेशन किसका एग्जाम्पल है, ऑब्जर्वेशन किस लिए हम करते हैं? अगर हमें किसी इंसान या किसी चीज़ का भी असेसमेंट करना है, आकलन करना है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा असेसमेंट। जैसे कि मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाना है कि आप किस तरह के हैं, तो मुझे ऑब्जर्वेशन करना होगा। मूल्यांकन वो होता है जब हम ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट के बाद में वैल्यू इनपुट कर देते हैं, प्रदान करते हैं। ओके, तो टेस्ट मेजरमेंट ये चीज़ें अलग हैं, असेसमेंट हम करते हैं, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ करके, निम्नलिखित में से किसमें एक अक्षमता मौजूद है? तो उपयुक्त सभी, केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या स्मृति। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई, निम्नलिखित में से किसमें एक अक्षमता मौजूद है? सारी की सारी है क्या, है ना? इनके ऑप्शंस उल्टे होते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये सब आपकी क्या है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, सॉरी क्या क्या कहते हैं, नाम नहीं आता रहा है, डिस्लेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्ग्राफिया, जिसमें सूक्ष्म गतिक कौशल संबंधी विकार होता है उसे क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, डिस्प्रैक्सिया, सॉरी, है ना? ये आपका क्या है, ये भी आपके डिसऑर्डर हैं, ये भी डिसेबिलिटीज हैं, सभी आपकी डिसेबिलिटीज हैं। चलिए अगला देखिए यहाँ करके, खाली स्थान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। ओके, तो नकारात्मक दंड है या सकारात्मक, सॉरी, नकारात्मक पुनर्बलन है या सकारात्मक दंड है या लापरवाही है, मतलब एक ऐसा स्टिमुलस जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल कर देता है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, हाँ, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में आप मुझे ये बताएंगे कि भाई नेगेटिव री इन्फोर्समेंट से कैसे आपका रिस्पॉन्स है ना प्रबल होगा। ओके, इसके बारे में मुझे आंसर करिए आप लोग, बाकी ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये टाइप में चला जाएगा, और ये तो नहीं होंगे आपके, बी करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा ये आप मुझे बताइएगा। अगला देखिए यहाँ करके, शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी स्मृति को मजबूत करता है? तो बहुसंवेदी है, दृश्य स्मृति है, स्पर्श ज्ञान है या आपका ऑडियो लिंगुअल है। तो शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी स्मृति को मजबूत करता है? तो शिक्षण के लिए हम सिर्फ पर्टिकुलर विजुअल, टेक्टाइल, ऑडियो, इन पे तो फोकस नहीं करेंगे, हम सारे सेंसेस को डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहुसंवेदी। ओके, अगला देखिए आकर के, कोलबर्ग की अकॉर्डिंग खाली स्थान नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। यहाँ लोगों के लिए एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। तो यहाँ पर आपसे कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों के द्वारा, ओके, तो पश्च कन्वेंश, सॉरी, पश्च पोस्ट कन्वेंशनल है या आपका कॉन्ट्रवेशनल स्टेज, सॉरी, लेवल है, या पूर्व पारंपरिक स्तर है या पारंपरिक स्तर है। तो आपको मैंने ये बताया था कि जहाँ पर फर्स्ट में तो मोरालिटी नहीं होती है, बच्चे में एबसेंट होती है, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मोरालिटी आती है तो भाई समाज के अनुसार आ जाती है। ओके, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग आती है, इंडिविजुअल। ओके, तो ये फर्स्ट नहीं, ना ही तो ये वाला, कन्वेंशनल में समाज के अकॉर्डिंग मोरालिटी आती है, तो फोर्थ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और कमेंट में आंसर कीजिए। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति में कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? मतलब अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो भाई विलंब है, क्षय है, पूर्वाभ्यास है या हस्तक्षेप है?
तो ये थ्योरीज भी आपने पढ़ी हुई हैं, है ना, विस्मरण के सिद्धांत में। तो ये कौन सा आपका है? अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। तो ये है डिके थ्योरी। किसने दी है वो आप आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ये थ्योरी किसने दी है विस्मरण के सिद्धांत में। और अगर अभी तक आप लोगों ने स्मृति टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, और या देख लिया है और क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो जाकर के जरूर उसको एक बार देखिए फिर से आप लोग। ओके, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिक निर्णय पे है, नैतिक व्यवहार पे है, संज्ञानात्मक निर्णय पे है, न्यायिक व्यवहार पर है? तो कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? आंसर करो भी जल्दी से। हाँ, तो डिसीजन हम किस तरह से ले रहे हैं, है ना, किसी क्वेश्चन के हम किस तरह से आंसर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने लेवल और स्टेज दे दी। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोरल जजमेंट। ओके, पहला राइट आंसर होगा। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं, हर एक लेवल की 2 स्टेज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है? तो ऑर्गेनिज्म मॉडल है, यंत्रवत मॉडल है, या आपका अटेंशन मॉडल है, या वर्णात्मक मॉडल है? तो यहाँ पर लिखा है किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यंत्रवत मॉडल होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आज आपको जितनी भी नई चीजें मिली हैं, ओके, जितने भी नए क्वेश्चंस मिले हैं, आप जाकर के इनको सर्च कीजिएगा कि ये चीजें हैं क्या। ओके, और जब नहीं मिलेंगी तो कमेंट में मुझे बताइएगा इसी सेशन के लास्ट में, तो मैं आपको फिर इनको करा दूंगी। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। और आपको सिर्फ यही नहीं चेक करना कि ये क्या होता है, आपको ये मॉडल भी चेक करने लें कि इसमें क्या होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। तो ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजाइन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, या ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिजाइन है? तो ओसीडी का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, इसमें होता क्या है कमेंट में जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर क्या होता है, हाँ, हम इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं, किसी काम को हम बार बार दोहराते हैं। ओके, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, या बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो भाई, बाल विकास के सिद्धांत जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ या थ्योरीज हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वो किस तरह से है ना, क्यों हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि बच्चे भाई कैसे ग्रो करते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं उनके। तो राइट आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड चेंज। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन और आंसर कीजिए कमेंट में। किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपैंजी पर अपने किए गए अध्ययन में अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग को प्रतिपादित किया है? तो भाई, एडवर्ड थोर्नडाइक हैं, वोल्फगंग कोहलर हैं, जीन पियाजे हैं, इवान पावलाव हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सुल्तान नाम के वनमानस पर जो पूरी इनसाइट थ्योरी आपकी, किसने ये प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वोल्फगैंग कोहलर, जो कि एक गेस्टॉल्ट वादियों में आते हैं। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी है, और भी कई सारे नाम हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, इवान पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। मैं किसी दिन इवान पावलाव की थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी आपको यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का परीक्षण है? तो लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट है, या वाक्य पूर्णता परीक्षण है, या मायर्स ब्रिग्स टाइप संकेतक प्रश्नावली है, या बिने कामत परीक्षण है? तो कौन सा बुद्धि परीक्षण है? तो एक ही बुद्धि परीक्षण आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, है ना, ये फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपका काम क्या रहेगा, अब थोड़ा सा काम भी करो, मतलब सेल्फ स्टडी की भी थोड़ी सी आदत डालो, कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, ये सीटेट में भी पूछा गया है, वाक्य पूर्णता परीक्षण किसका परीक्षण है, किस में आता है, और ये जो आपका मायर्स ब्रिग्स टाइप संकेतक प्रश्नावली, ये किसकी है, किस टेस्ट में आती है, कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। ओके, आज के सेशन में आपको बहुत सी नई चीजें मिली हैं। अगला देखिए आकर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार तर्क का नहीं है?
तो उपदंशकारी तर्क या निर्गणात्मक तर्क, डिडक्टिव निगमनात्मक तर्क, या अन्यारोपण तर्क या पारलौकिक तर्क। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है। तो भाई ये भी एक लॉजिक लगाने का तरीका है, डिडक्टिव भी है, ट्रांसडक्टिव भी है, इसके बारे में तो बताया था, लेकिन ये नहीं है कोई भी, ये किसी भी तरह का आपका लॉजिक नहीं है। आपका काम क्या हो जाएगा कि इनके बारे में आप देखें। ओके, ये सब मैं पूछूंगी अगले सेशन में कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है। ओके, कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है, तो शराब, तंबाकू, मारिजुआना या कोकीन। आंसर कर दो भाई, कौन सा गेटवे ड्रग नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कोकीन, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। अब आपका काम यहाँ पर क्या निकलेगा कि गेटवे ऑफ ड्रग का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। ओके, गेटवे ड्रग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर तो कोकीन आपका हो जाएगा। अगला देखिए आ करके, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है, छात्र, सामग्री, शिक्षण विधि या शिक्षक। जितने भी आज पॉइंट बताए हैं वो सब है ना पूछे जाएंगे और आपको पढ़ भी लेने हैं, क्योंकि कुछ नया हमको मिला है देखने के लिए, और आप लोग इनके अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर करने का यही मतलब है कि कुछ चीजें अगर हमारी रह जाती है तो वहां से हम कवर कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आपके क्या क्या बन जाते हैं। तो भाई हाँ, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है, तो भाई टीचिंग मेथड आपका नहीं है, क्योंकि कौन कौन है, टीचर है, छात्र, स्टूडेंट है और आपका करिकुलम है। ओके, तो ये नहीं है शिक्षण प्रक्रिया में, आपकी जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है उसमें टीचिंग मेथड नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, निम्नलिखित में से कौन सा एडीएचडी का लक्षण है, तो उदासी है, हकलाना है, अति संवेदनशीलता है, अति सक्रियता है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, एडीएचडी का कौन सा लक्षण है, उदासी, हकलाना, अति संवेदनशीलता, अति सक्रियता। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा फोर्थ, हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिशियट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जहां पर बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और क्या करता है, हाइपर एक्टिव होता है, अति सक्रिय होता है बहुत। तो फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत खाली स्थान अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, तो व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी या भावात्मक। तो वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत मतलब कि भाषा पहले होगी और विचार बाद में होगा, शुरू के 2 वर्षों तक भाषा अलग चलती रहती है, तो इनका सिद्धांत किस में आता है, ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में आते हैं। ओके, संरचनात्मक में आते हैं, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, रचनावादी। ओके, अगला देखिए आकर के भाई, खाली स्थान कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है, तो धर्म है, संदर्भ है, भाषा है या परिवेश है। खाली स्थान कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका थर्ड, भाषा। तो भाषा भाई कई तरीकों से एक तरीका है जिसके माध्यम से हमारा कल्चर, हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ करके, खाली स्थान का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है, आत्म केंद्रित व्यवहार, स्मृति प्रक्रिया या अवधारणात्मक तीक्ष्णता या समय से पूर्व जन्म। मतलब खाली स्थान का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है, तो भाई पर्सनालिटी और सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, ऑब्वियसली बात है पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे क्या बिहेवियर है ना, और हमारे पास में कौन सा व्यवहार है, इगोसेंट्रिक बिहेवियर। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, स्मृति प्रक्रिया, परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रीमेच्योर बर्थ, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़े पर्सनैलिटी या सोशल डेवलपमेंट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है, सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए या वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए, कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तो शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा भाई, अगर हम बच्चे में जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है ना ये अप्रोच को डेवलप करते हैं,
तो रीजन तो यही है ना कि बच्चा वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण कर सके, बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण डेवलप हो सके। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा, सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित कर, तो हम आपस कोलैबोरेटिव लर्निंग का यूज करेंगे। ओके, तो ये कोई आपके रीजन नहीं है, तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम क्षमता में वृद्धि होगी, ये कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है। छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, तो ये समेटिव असेसमेंट है, सारांशित आकलन है, अधिगम का आकलन है, अधिगम के रूप में आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है। छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होती है, तो किसका हिस्सा है ये भाई, छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करना। ओके, देखो समेटिव तो नहीं क्योंकि लास्ट में होता है, यहाँ पर सिर्फ अचीवमेंट को चेक करते हैं। ओके, ऑफ भी इसी का हिस्सा हो गया, इसमें सेल्फ असेसमेंट की बात होती, तो ये जो भी हमारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है, कोई कमी आ रही, कोई नीड है ना, उसको पूरा करना है, तो ये किस में आएगा, फॉर लर्निंग में आएगा, जहाँ पर हम बच्चों की कमियों या जो भी प्रॉब्लम है उनको समझ पाते हैं, इनको दूर हम कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आकर के भाई, जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। द्वितीयक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है, प्रत्याशित समाजीकरण है, या पुनः समाजीकरण है। मतलब जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब हमने क्या किया, एक पहले तो हम किसी दूसरे माहौल में रहते थे, लेकिन अब आगे हमें क्या करना है, कहीं हमें ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना है, तो वैसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं उन चीज़ों को, तो ये आपका कहलाता है रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। ओके, आप द्वितीयक, प्राथमिक, प्रत्याशित, इनको आप समझेंगे क्योंकि लिखाए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। और एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर जाएंगे। ओके, आज के लिए आपको काफी सारा चीज मिल गया है काम करने के लिए। अगला है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है, तो अभ्यास का नियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तत्परता का नियम है, या प्रभाव का नियम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अभ्यास का नियम है, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तत्परता के नियम में क्या हो? ये तीनों नियम है आपके थॉर्नडाइक के, मेन लॉ है, मुख्य नियम है। यहाँ पर हमारे अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, यहाँ पर हम सेटिस्फाइड हुए या नहीं, संतोष या असंतोष का नियम है। अगला प्रश्न देखिए आकर के भाई, प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत, हायरकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ये किसकी है, अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो है, ली सिमनोविच वाइगोत्स्की है, बी एफ स्किनर है, या जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। अब देखो तुम्हें नाम भी मिल गए यहाँ पर। हाँ, तो हायरकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है मैस्लो ने। ओके, जिसमें पांच आपके पद है, और कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ पांच स्टेप वो कौन कौन से हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना, यहाँ पर मेंशन है किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तो औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन है, या व्यक्तिगत शिक्षा है। तो भाई करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, मतलब कोई रीजन नहीं, कोई पर्टिकुलर आपका पर्पज या कोई फिक्स पीरियड या कोई प्लेस नहीं है। ओके, तो जैसे इनफॉर्मल लर्निंग, जो घर में हम दोस्तों के साथ में बातचीत करते करते चीज़ों को सीख जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, तो ये था आज के 30 क्वेश्चंस, इससे पहले भी कई सारे सेशन हुए हैं, मैराथन हुई हैं, आप लोग उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपको वो बहुत काम आएंगे आपके आने वाले MP टेट के एग्ज़ाम में, राजस्थान टेट के एग्ज़ाम में। ओके, चाहे UP टेट हो, चाहे CE टेट हो। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।